उच्च संचालित डामर प्लांट में मवेशियों के मरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और दरअसल ढंढन पंचायत में लंबे अरसे से अवैध रूप से डामर प्लांट संचालित हो रहा है, लेकिन इसे बंद कराने के लिए कभी ठोस कार्रवाई आज तक नहीं की गई। यही वजह है कि आए दिन डामर प्लांट में फंसकर मवेशियों की मौत हो रही है। और इस संबंध में जब प्रशासन से बातचीत की गई तो पहले तो प्रशासन के अधिकारियों ने इस डामर प्लांट को अवैध करार देते हुए अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। फिर आनन-फानन में नायब तहसीलदार नीलम अग्रवाल मौके पर पहुंची और डामर प्लांट की तस्दीक करते हुए नोटिस थमाया। बहरहाल अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले दिनों में प्लांट पर अंकुश लग पाता है या नहीं। जो हम अभी खड़े हैं वो निजी जमीन है, निजी जमीन में लीज के रूप में दिया गया है, लेकिन मेरी माँ इसके पूर्व भी सरपंच थी 5 साल। हमारे ग्राम पंचायत के द्वारा उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है डामर प्लांट चलाने के लिए। मैं तो यही कहता हूँ कि जो गाय बच्चों फंस गए हैं, मैं खेले शिकायत करे पे पूरा तत्पर हूँ और मैं है करते रही हूँ। अधिकारी मन हर दफा शिकायत हम करते हैं, करते रहे ग्रामीण लोग में, तब भी से बात नहीं सुनते इसे, और मैं है शिकायत करके ही रही हूँ। सूचना मिलने पर हम यहाँ पे आए। यहाँ पे जो 3 जानवर थे वो डामर प्लांट जो ढंडन में संचालित हो रही है वहाँ पे 3 जानवर फंसे हुए थे। उनको बड़ी मशक्कत के साथ, 1.5 घंटे की मशक्कत के साथ निकाला गया है और पशु चिकित्सा अधिकारी आए हुए हैं, वो आके क्या बोलते हैं जांच किए हैं और ये जो संचालित हो रही है उसके बारे में जांच की जा रही है। चैत्र नवरात्रि का ये पहला मौका है।